सुनते सुनते देर तो बहुत हो गई और भाषा भी बहुत अच्छे हो गए। क्या अपने और सिंधिया में आनंद आ गया। अपने नरेंद्र सिंह जी का भाषण, सुभाष जी का भाषण, मुझे अध्यक्ष जी का उद्बोधन, मुझे लगता है मुझे अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और अब तो दूसरे विधानसभा वाले भी आ गए, इसलिए उनके लिए भी जल्दी जगह खाली करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत संक्षिप्त बोलूंगा मैं। मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्यप्रदेश ग्वालियर और चंबल मुरैना की शान, मोदी जी के मंत्रिमंडल के सबसे विश्वस्त मंत्री और मध्यप्रदेश के लिए खजाना खोलने वाले हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और आज जिनके कारण ये समारोह आयोजित है, उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस की सरकार 15 वर्ष आए बाद आएगी तो ग्वालियर चंबल का विकास करेगी और जब वादे पूरे नहीं हुए, वचन नहीं निभे तो मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा वादे निभाओ वचन पूरा करो। अब वो बड़े अप्रूव आदमी निकले, उनका नहीं करता क्या कर लोगे, तो इनने कहा हम सड़कों पर उतर जाएंगे, तूने कहा उतर जाओ सड़कों पर, लेकिन गलत जगह उलझ बैठे, अब इनने उनको ही सड़क पे ला दिया। ऐसे हमारे यशस्वी नेता जिनका आप सबसे परिवार का संबंध, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशस्वी नेता आदरणीय प्रभात जी, मेरी सरकार के मंत्री, ये भी बड़ी गलत था कि थे ये मानते थे कि वो कांग्रेस और दिग्विजय राजा ध्यान रखेंगे, लेकिन जयवर्धन सिंह की चिंता दी है। वरिष्ठ नेता का अपमान किया, सम्मान करना चाहिए था, लेकिन पुत्र को हो गए पैदल सिंह जी को ठुकराया, तो पैदल सिंह जी ने कांग्रेस को ही ठुकरा दिया। राज्य की सरकार का मंत्री और मंत्री भी पानी वाले में और 1 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन 3 साल में देके पूरे मध्यप्रदेश के हर घर घर में नल लगा। अब फैसू नहीं चलेंगे क्या, खेचू खेचू लगा तो खेचू, अरे मामा घर घर में नल लगवाएगा, घर में फैसू माता बहन को गजराज सिंह जी, मेरे मंत्री युवा नेता आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, अंबाव में अभी भी बड़े स्वाभिमानी निकले, जब लगा कि मुख्यमंत्री बातें नहीं करते, हम बाहर के विकास की बात करो तो जाओ जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये भी उठ के बैंगलोर चले गए। कमलनाथ ने कहा आओ आओ, तो कमलेश ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है,
भाई कमरे में जाकर के सुमन के लिए हो गया बीजिए। आज जो मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य स्वीकार की मेरे सभी बहन भाई और चंबल के ऐसे वीर जवान के जिन पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है मेरे लिए बहन जब जरूरत पड़ती है देश की सीमाओं की रक्षा को चंबल की ये नौजवान हाथ में बंदूक उठाते हैं और कभी पीठ पे गोली नहीं खाई सीने पे गोली खाते हैं। हर काटा के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। ये स्वाभिमानी लोग इस बार कांग्रेस को जिताए अच्छा उनके कारण नहीं जिताया इनके कारण जिताए का विकास हुआ। अच्छा गजब कांग्रेस सोनिया गांधी जी राहुल गांधी राहुल बाबा आए बड़े बड़े भागो आए चला दिन में सबका का चला और जिनसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दसवा परिचर चार बजे मुख्यमंत्री बदल चुका। किसानों ने सोचा कि मामला तो बहुत है किया मैंने इस बार वोट दे दिया मैंने कई जगह पूछा जनता से कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली लोगों की अल्लाह में गलती होगी दो लाख के चक्कर में आगे चले इंडिया जी को विश्वास में यह कर्जा माफ होगा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा रोजगार मिलेगा रोजगार की गजब के जादू करे कमलनाथ। हमने पूछा कौन सा रोजगार होंगे तो बोले हम नौजवानों को ढोर चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई ऐसे तुम्हें वोट दिया बात की कांग्रेस दो लोगों ने मलाईदार पदों के लिए दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह प्रियव्रत सिंह कमलनाथ नकुलनाथ आप मुख्यमंत्री बेटा सांसद बाजी का क्या कहना रहता क्या गजब काम है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी अध्यक्ष इंदिरा जी के बाद राजीव जी अध्यक्ष राजीव जी के बाद सोनिया जी अध्यक्ष सोनिया जी के बाद राहुल जी अध्यक्ष राहुल जी के बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर दूसरे का क्या काम कमलनाथ और भी गजब थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे कौन कमलनाथ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे कमलनाथ नेता किसी का कौन बनेंगे कमलनाथ और युवाओं का नेता कौन बनेगा नकुलनाथ बात की कांग्रेस हो गई ना और ऐसी दुर्गति है कि मैडम सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख रही है ना कि मैडम अब तुम बस करो हट जाओ दूसरे को आ जाने दो नहीं तो कांग्रेस ऐसे गायब हो जाएगी जैसे पहले साबुन का विज्ञापन आता था ना कि आज भूलते रह जाओगे ये कांग्रेस जनता को धोखा दिया चला मतलब नहीं भाई वादे पूरे नहीं किए और मुझे ना सुना परिवार और पहाड़ों पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठते ठेकेदारों से दलाली खाता था पैसे लेता था कमीशन खाता था मत बेचता माता सर से छुटा दिया उनको मुख्यमंत्री बना दिया सपने और किसी के दिखा चेहरा और किसी
नगर किसी के नाम लिखी गई, बरात और किसी की निकाली गई, सहलाइया किसी और के नाम से बनी, घोड़ी पे कोई और को बिठाया और फिर उनसे पार दिए। देखो मंदिर की समझ ली, बाहर सूखा पानी बरसात हमें कहा खबरदार की तरह लिख लो तो पड़े बट मैं क्या था, मैं कहीं बैठ बैठ के करूँ क्या। बैठक मेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे एक बार निकल जी ने, यादव सिंह जी ने, मेरी सरवा ने
राजा वाली जोड़ी, बिजी राजा कहते हैं कि राजा ओ बड़े बंधन के रहते बंटा था अयोध्या में राम मंदिर बनता तो शिलान्यास सुना था मोदी जी कर रहे थे चारों पर खुशी थी और ये कह रहे थे मुहूर्त छड़ी है मुहूर्त छड़ी है मुहूर्त छड़ी है, ये केवल विघन डालने का काम करता है। खागे पूरे मंदिर ये कमलनाथ और बिजी राजा की जोड़ी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सुनंद शर्मा जी की जोड़ी चाहिए। विकास करेगा कौन, भारत का भविष्य बनाएगा। मैं आज आपको वचन देता हूं, 3 साल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बना के खड़ा कर देंगे। मैं रोम जाने के पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 3 साल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, और उसके लिए आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आज भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं, दोनों बाहें फैला के स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और चंबल के मुरैना के विकास से अपना सुपारी के विकास, सुनावली के विकास की कसौटी छोड़े। यहां पर किसानों को मजाक मत बनने देगा, समा समझ बनने देगा, वोट न बन जाए। और मैं कह रहा हूं मुरैना की 6 सीट जीत जाते तो हम भी मुख्यमंत्री बनते, जीतने की नौबत ही नहीं। सब किसी पर भरोसा किया लेकिन उनने धोखा दिया, तो जिनने धोखा दिया उनसे बदला लोगे कि नहीं? आज यहां से पूछ रहा हूं बदला लोगे कि नहीं? इस सरकार को बनाए रखोगे? अरे से बताओ, बनाए रखोगे? तो हमें केवल अम्बा सुमावली नहीं, मुरैना की 5 सीटें चाहिए, 5 सीट। बोले 5 सीट जिताओगे? ये चंबल माटी के स्वाभिमान का सवाल है, जिन्होंने हमारा सम्मान भूल कर मिलाया, जिन्हें हमारे विकास को रोका, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, उनसे ऐसा बदला लो कि भविष्य में कोई मुरैना जिले से गद्दारी और धोखा करने का साहस न कर पाए, हिम्मत न कर पाए। मेरे दादा भाइयों, आज आपने संकल्प किया, नरेंद्र सिंह जी ने भी दिलाया, लेकिन आज मुझे वचन दे के जाना, मामा भाजपा के हम सब साथ खड़े और जिताने में जी जान एक कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं आप संकल्प ले लो तो मैं प्राण जाए पर, और जब अपने अपनी जगह सब खड़े हो जाए, खड़े हो गए दोनों हाथ ऊपर उठाते, दोनों मुट्ठी बांधते, भारत माता की जय बोल के सुमावली, मुरैना, अम्बा, दिमनी, जौला, 5 सीटों पर भाजपा को जिताने का संकल्प लो। बोले सब तैयार है? दोनों हाथ बांधे, दोनों उठकर बोले भारत माता की, भारत माता की।